हाय एवरीवन वेलकम टू मेडिकल मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेविट टारगेट शेयर कर रहा हूं आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का फोर टारगेट 63 शेयर करूंगा सबसे पहले एमडी 2024 के ट्वेंटी टारगेट 63 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का बायोलॉजी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल मोलिकूल उसका एक मोस्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वाटर वाटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल से पढ़ेंगे आज देन उसके बाद इसको आप फेडरल से इसको लाजमी पढ़ेंगे क्योंकि वाटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी प्रोविंशियल बुक्स में नहीं लिखी हुई और वो फेडरल में लिखी हुई है जैसे कि हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी हीट ऑफ कैपेसिटी हीट ऑफ वेपोराइजेशन आयोनाइेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन ये पांच प्रॉपर्टीज हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखी हुई है सबसे पहले आप पंजाब के स्टूडेंट्स इनको पढ़ेंगे आपने जो फेडरल से प्रॉपर्टीज करनी है वो हम फेडरल की बुक से देखते हैं देन फेडरल की बुक से जो आपने वाटर की प्रॉपर्टीज आपने देखनी है वो आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स बुक बोर्ड में नहीं लिखी हुई भी आप यहां से करेंगे आपके बोर्ड की बुक में जो भी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हुई वो आप फेडर से उसको लाजमी कवर करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फेडर की बुक आता है वो हमारे पास है कोहेंशन एंड शन ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फेडरल में प्रॉपर्टी लिखी हुई है लेकिन पंजाब टेक्स बुक बोर्ड में ये नहीं लिखी हुई इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास लास्ट ईयर 2022 में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई हीट कैपेसिटी वाटर वर्क्स एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर तो ये जो हमारे पास शहीद जुल्फार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पेपर कंडक्ट करती है उसने लास्ट ईयर ट्वेंटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ए, ये जो प्रॉपर्टी है देन उसके बाद हाई हीट ऑफ वेपरवाइजेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी आप फेड बुक से करेंगे Then, hydrophobic exclusion, ये भी हमारे पास किसी बुक में नहीं लिखा हुआ किसी अदर प्रोविंस की बुक में नहीं लिखा हुआ तो ये जस्ट फेड की बुक में लिखी हुई है तो ये भी आप यहां से कवर करेंगे ट्वेंटी जो नेशनल एमडी कैट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्ले की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज है देन नेक्स्ट आयोनाइजेशन ये हमारे पीटीबी में ये लिखी हुई है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं या पीटीबी से भी कर सकते हैं Then उसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और वाटर तो तो का टॉपिक आप करेंगे सबसे पहले आप इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ेंगे इसको इसको लाजमी पढ़ेंगे ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 63 थ्री देन हम केमिस्ट्री का टारगेट 63 थ्री की बात कर न केमिस्ट्री के टाइम सिक्सटी थ्री की बात करें तो इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है काबोक्सलिक एसिड की मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी या उसकी एक्सरसाइज इसमें जो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे वो इसके की पॉइंट्स हैं जितने भी इसमें की पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप का अपनाया गया है डिफरेंट हमारे पास उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बताए हुए हैं एस्टिक एसिड का अपनाया हुआ है इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हाईलाइट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज मैं इसको टॉपिक ही इसको काउंट करता हूं तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है की पॉइंट्स

मल्टीपल चॉइसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एमडिकाइट में मल्टीपल चॉइसेस जो है बुक की एक्सरसाइज होते हैं वहां से क्वेश्चंस आ जाता होता है क्योंकि अगर हम यहां से क्वेश्चन की बात करें ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज फॉलोइंग डेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्ट फ्रॉम एसिटिक एसिड तो इसका आंसर एसिडामाइड है अगर आपने पास पेपर्स को सोल्व किया हो तो उसमें यह हमारे पास क्वेश्चन बार हाँ दफा रिपीट हुआ हुआ है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है देन नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है ये ट्वेंट फोर्टीन uh, में हमारे पास ये

इसके टारगेट सिक्सटी थ्री की बात कर देन हम फिजिक्स के टारगेट सिक्सटी थ्री की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आ, आ, आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियशन तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से आपने अच्छे तरीके से ये हमारे पास एक थेरी बेस्ड टॉपिक है इसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट का टॉपिक है इसमें जो आपने की कॉन्सेप्ट कवर करने हैं वो रेडियो आइजोटॉप्स के बारे में आपने पढ़ना है देन वो आर रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होते हैं उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है यहाँ पे हमारे पास ट्रेसर टेक्निक के बारे में बताया गया इसकी आपने डेफिनेशन बन गया ये हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइजो होते हैं उनको डिटरमाइन के लिए ट्वेसर टेक्निक यूज की जाती है ये भी आपने अच्छे तरीके से देखना है देन उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रेडियो एक्टिव ट्वेसर यूज होते हैं वो मेडिसिन के टर्म में हमारे पास डिटेक्ट करते हैं मेलेग्नेंट ट्यूमर या कैंसर के लिए ये यूज होते हैं इनको आपने अच्छे से देखना है देन उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी ये भी हमारे पास बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन के टॉपिक से ही रिलेट है तो इसमें जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए को यूज किया जाता है जैसे कि कोबाल्ट सिक्सटी यहां पे लिखा हुआ है कोबाल्ट सिक्सटी इज ऑफ्टन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बुक की श्राइन्स है तो इसी तरह से जो फेडरल में हमारा एम डी कट कंडक्ट होता है तो इसमें हमारे पास बुक की लाइन्स ही आती हैं तो आपने अच्छे तरीके से इनको हाईलाइट करना है जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है देन उसके बाद ये साइड पर हमारे पास टेबल गिवन है उसमें हमारे पास डिफरेंट आइजोटॉप्स उनकी हाफ लाइफ बताई गई है जैसे कि हमारे पास आयरन की है हाफ लाइफ बताई गई है फोर्टी फाइव डेज देन ये इसकी एग्जाम्पल ऑफ यूजेज है कि आयरन इन प्लाज्मा प्लाज्मा में यूज

ये था आपका फिजिक्स का टारगेट सिक्सटी थ्री आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एम डी 2024 ट्वेंटी फोर के शेयर करना ना भूलिएगा खुश रहें खुश रहने दें अल्लाह हाफि